हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचीरा। जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी आईपीएस क्लर्क का पेपर हो चुका है। कब पेपर था? 5 दिसंबर को और 12 दिसंबर को। काफी इजी पेपर था। जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे, फ्लोर बेस के पजल पढ़ाए था, या फिर मैंने जो सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन कराए थे, एज इट इज वैसे क्वेश्चन थे, बस अल्फाबेट चेंजेस थे। ठीक है, तो मैंने जो क्वेश्चन कराए थे, अगर वो बच्चों ने किए होंगे घर बैठ के सॉल्व, तो इनफैक्ट उन लोग का 35 में से एटलीस्ट 27-28 अटेम्प्ट रहेगा ही। ठीक है, तो देखो मैं आज एसबीआई पीओ के लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, फ्लोर सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, प्रॉपरली ध्यान दीजिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, देर आर 7 पीपल्स ए बी सी डी ई एफ जी आर लिविंग ए 7 फ्लोर बिल्डिंग ऑन डिफरेंट फ्लोर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, बॉटम से टॉप में एक बिल्डिंग जा रही है। ठीक है, देखिए सॉल्व करिए प्रॉपरली। हमेशा जब भी फ्लोर बेस पजल हो तो हमेशा 2 अजम्पशन लीजिए। ठीक है, फ्लोर बेस पजल में हमेशा 2 अजम्पशन, ताकि आप लोग का एक अजम्पशन रॉन्ग हो गया तो दूसरा अजम्पशन हमेशा सही बैठेगा। ठीक है, पहले प्रॉपरली बिल्डिंग बना लो। तो कितने लोग है? 7 लोग है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, 7 फ्लोर की बिल्डिंग दी है, यहां तक तो सही है, बट नॉट एस इन द सेम ऑर्डर। ए लिव्स ऑन सेकंड नंबर फ्लोर। हमें एक्यूरेट क्या दिया गया इसके अंदर? ए जो है सेकंड नंबर फ्लोर में रहता है। यहां तक तो बेसिक आप सबको समझ में आ गया होगा। ई लिव्स इमीडिएटली अबव एफ। ई जो है इमीडिएटली अबव किसके? एफ के है। ठीक है, यहां तक भी समझ में आ गया होगा। बी लिव्स अबव एफ, बी लीव्स अबव एफ। हमें ये नहीं पता कि बी इमीजिएट है क्या, हमें बस इतना बोला था कि बी जो है एफ के ऊपर रहता है, मगर ये कंफर्म नहीं है कि वो कितना ऊपर रहता है। एक का भी गैप हो सकता है इसके अंदर, दो का भी गैप हो सकता है, तीन का भी गैप हो सकता है, पर ई लीव्स क्या बोला? ई लीव्स इमीजिएटली अबव एफ, इसमें इमीजिएट है बोला। ठीक है, इसमें इमीजिएट वाला है। ठीक है, यहाँ एक का भी हो सकता है, दो का भी हो सकता है, तीन का भी हो सकता है, चार का भी गैप हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोला? ए लीव्स इमीजिएटली अबव डी। ए लीव्स इमीजिएटली अबव डी, ए लीव्स इमीजिएटली अबव डी एंड इमीजिएटली बिलो जी एंड इमीजिएटली बिलो जी। तो यहाँ तक तो दो तीन सेंटेंस हमें प्रॉपर ही मिल गए। ए जो है इमीजिएटली अबाउट किसका रहता है? डी के रहता है, और इमीजिएटली बिलो किसका रहता है? जी के रहता है। तो तीन फ्लो हमारे पैक हो गए। इसके बाद क्या बोला है? देर आर 4 पर्सन लिविंग बिटवीन डी एंड सी। देर आर 4 पर्सन, 1, 2, 3 एंड 4, 4 पर्सन लिविंग बिटवीन डी एंड सी। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, समझा? अभी देखो यहाँ दो ई और एफ जो है इमीजिएट है, तो ई और एफ यहाँ पर आ जाएगी, ई और एफ यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद क्या बोला था? बी लिविंग अबाउ एफ, B is living above F, पर हमें कंफर्म नहीं था कौन से फ्लोर में रहता है, कौन से फ्लोर में नहीं रहता है। ठीक है, तो देखिए B is living above F, यहां तक भी सही है। और कितने फ्लोर गैप है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 5 फ्लोर का गैप आ रहा है किसके बीच में? B और F के बीच में। ठीक है, तो इसी तरह हमारा जो हो गया पजल सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, हम सॉल्व करने देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? Who among the following living on the ground floor? ग्राउंड फ्लोर नंबर में कौन सा फ्लोर रहता है? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, ग्राउंड नंबर फ्लोर में कौन सा फ्लोर रहता है? ग्राउंड नंबर फ्लोर में कौन सा रहता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो डी इज लिविंग ऑन द ग्राउंड नंबर फ्लोर, डी इज लिविंग ऑन द ग्राउंड नंबर फ्लोर। ठीक है, आया समझ में? डी इज लिविंग ऑन द ग्राउंड नंबर फ्लोर, डी इज लिविंग ऑन द ग्राउंड नंबर फ्लोर, डी इज लिविंग ऑन द ग्राउंड नंबर फ्लोर। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीजिएटली बिलो जी, बिलो बी। हु अमंग द फॉलोइंग लिव्स इमीजिएटली बिलो बी। इमीजिएट बी के नीचे कौन रहता है? इमीजिएट बी के नीचे कौन रहता है? सी रहता है। ठीक है, इमीजिएट बी के नीचे कौन रहता है? सी रहता है। यहाँ तक भी सही आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी पर्सन्स लिविंग बिटवीन डी एंड बी। डी एंड बी के बीच में कितने लोग रहते हैं? डी एंड बी के बीच में कितने लोग, डी और बी के बीच में कितने लोग रहते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 पर्सन आर लिविंग बिटवीन डी एंड बी, 5 पर्सन आर लिविंग बिटवीन डी एंड बी। ठीक है, तो आया सब में कैसे सॉल्व करा है? एकदम इजी में समझा आप लोगों को, 3 क्वेश्चन कराए। मुझे ऐसा लगता नहीं आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में कुछ डाउट होगा। ये क्वेश्चन जो था ना, ये क्वेश्चन आरआरबी क्लर्क में पूछा गया था 2018 के अंदर। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन मैं आप लोग करा रहा हूँ, ताकि आप लोग एग्जाम्स के अंदर काफी बेनिफिट हो। ठीक है, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट्स हो, तो आप लोग टीचीरा के ऐप के अंदर भी पूछ सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में अंदर भी आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग टीचीरा, थैंक यू।